आज मैं जिन प्रोडक्ट की शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ उसी पेज से मैंने दो प्रोडक्ट्स पहले बाय करी थी, जिनमें एक लिपस्टिक एंड लिप स्क्रब, वो मैंने अपनी एक दो वीडियो में शेयर भी किया है आपके साथ। तो मैं आज उनके रिव्यू करूँगी और साथ में अपनी शॉपिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इस पार्सल में मैंने क्या परचेज़ किया है और कहाँ से परचेज़ किया है। ये प्रोडक्ट्स जहाँ से मैं परचेज़ करती हूँ उनके पास ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक होती हैं, यूएसए ब्रांड्स होते हैं, कोरियन ब्रांड्स भी उनके पास हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, दिस इज़ मिस सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्रा अली। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, अल्लाह ताला के करम से खुशबाश होंगे। आज की जो वीडियो है वो शॉपिंग प्लस रिव्यू पर मुश्तमिल है। मैं दो प्रोडक्ट्स का रिव्यू करूँगी और दो प्रोडक्ट्स की डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने ये प्रोडक्ट्स कहाँ से बाई की, कितने में बाई की थी, प्रोडक्ट्स क्या क्लेम करती हैं और भी बहुत कुछ साथ में मिलकर देखेंगे। सो सबसे पहले मैं इसकी ओपनिंग करती हूँ। ये जो पार्सल है इसकी जो वर्थ पड़ी मुझे 7900 रुपीज़ की पड़ी। सो ये दो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फेस के लिए। अब आपको पता है आगे चलकर सर्दियां आ रही हैं तो सर्दियों में भी ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मैंने इसीलिए ये दोनों चीज़ें ग्रैब की हैं। सबसे पहले जो आप देख रहे हो ये पैट मैग्रेट की मिनी लिप्स बाम है, 3 का सेट था ये। सो मैंने इसे ओपन करके आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, लेकिन इसके शेड्स यहाँ पर मेंशन है जो कि आपके सामने हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी से हैं। एक बिल्कुल वाइट है, एक बिल्कुल लाइट सा पीची शेड है और एक बिल्कुल पिंकिश टाइप का शेड है। सो अगर पैकिंग की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा नाइस है, गोल्डन कलर की इसके अंदर जो है सितारे डले हुए हैं वाइट कलर की, एंड देन इसके ऊपर लिप्स भी बने हुए हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात और क्लियर कर दूं कि इनके स्वेचेस या तो मैं अपने इंस्टाग्राम के पेज पर शेयर करूंगी, वहां पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर मैं शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगी वो उस पर आप लोग देख सकेंगे। सो इन शेड्स के जो नाम है वो हैं क्लियर लिप फेटिश लिप बाम वाइट कलर का जो है, इसके बाद फ्लैश 3 लिप फेटिश शीर कलर बाम जो थोड़ा सा पीची टाइप का है, ब्लो अप लिप फेटिश शीर बाम ये जो है थोड़ा सा पिंकिश टाइप का है ये है। इसके बाद इसकी आफ्टर ओपनिंग शेल्फ लाइफ जो है वो 18 मंथ है, एंड देन यहाँ पर इसके इंग्रेडिएंट मेंशन है कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट है। इसकी जो शेल्फ लाइफ है आफ्टर ओपनिंग के वो है 18 मंथ, और इसके अलावा ये यूके का ब्रांड है। वैसे ये 18 मंथ से पहले पहले ख़त्म हो जाएंगी क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी सी हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्यूट हैं और ये फिक्स भी हुई हुई हैं इसके अंदर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखें थोड़ा सा वाइट कलर का आपको कुछ नज़र आएगा और ये उसके अंदर फिक्स हुई हुई हैं। सो काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट मुझे ये मिल गई है और इसकी जो प्राइस मुझे मिली है वो है 3800 रुपीज़। सो नाउ नेक्स्ट जो है बहुत सारे लोगों की फेवरेट है और वो है आइकॉनिक लंदन मल्टी यूज़ स्कल्पटिंग पैलेट। बेसिकली ये आइकॉनिक लंदन की पैलेट है और इसके ऊपर मेंशन है ये ओरिजिनल है। इसके अलावा 6×2 ग्राम, इसके अंदर 6 शेड्स हैं 2×2 ग्राम के। सो इसके बैक साइड पर देखते हैं क्या मेंशन है। फीचरिंग 3 शेड्स टू हाईलाइट कंसील एंड ब्राइटन एंड 3 शेड्स कंटूर डिफाइन एंड ब्राउन्स, दिस मल्टी यूज ड्यूई क्रीम पैलेट कंटेन एवरीथिंग यू नीड एंड मोर टू एनहेंस योर नेचुरल बोन स्ट्रक्चर एंड क्रिएट फ्लर्टिंग स्कल्प्टेड लुक। इसके जो 3 शेड हैं वो आप हाईलाइट के तौर पे यूज़ करोगे, कंसील एंड ब्राइटन के लिए यूज़ करोगे, और जो 3 शेड हैं वो कंटूर और डिफाइन करेंगे आपके ब्राउन्स को। इसके अलावा आपकी नेचुरल बोन्स और फेस के स्ट्रक्चर को ये इन्हेंस करने में हेल्प करेगी, एंड इसके अलावा आप इससे जो है काफ़ी अच्छे लुक क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे इसकी यूजेस मेंशन है वो आपको मैं आगे चल के बताती हूँ कि आप इसे किस तरह से और कहाँ कहाँ यूज़ करने वाले हो। सो पैलेट देख लेते हैं, कितनी कमाल की पैलेट है। इसके ऊपर जो मिरर दिया हुआ है इसमें आप अपना फेस भी देख सकते हो, इतनी अच्छी और इतनी क्लियर पैलेट है। देन इसकी बैक पर भी वही सब मेंशन है जो कि कार्डबोर्ड की पैकिंग के ऊपर मेंशन था। सो ये भी यूके का ब्रांड है और ये मेड इन चाइना है, लेकिन ये इंटरनेशनल ब्रांड की तरफ से आइकॉनिक लंदन है। शेल्फ लाइफ इसकी आफ्टर ओपनिंग 18 मंथ है। सो यहाँ पर भी इसके इंग्रेडिएंट मेंशन है कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं, सब कुछ मेंशन है। सो मैं इसे ओपन करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ इस पैलेट का अंदर से लुक। सबसे पहले तो यहाँ पर एक मिरर दिया हुआ है जो यहाँ पर एक प्लास्टिक लगी हुई है उस मिरर के ऊपर, देन इसको रिमूव करेंगे और यहाँ पूरा मिरर है। देन इसके आप शेड्स देखें, ओह माय गुडनेस व्हाट आर शेड्स। सो इसके ऊपर भी एक क्लीन लगी हुई है, देन वो भी मैं रिमूव करती हूँ, फिर आप आराम से इसके शेड्स देखिएगा और देखें फिर मुझे बताएं कि ये पैलेट वाकई में वैसी है जैसी हमें ज़रूरत महसूस होती है। सो इसके जो 3 कलर वो हाईलाइट कंसील एंड ब्राइटनिंग के लिए यूज़ होंगे, देन 3 शेड्स जो हैं वो है कंटूर डिफाइन ब्राउन्स,
सो ये डार्क शेड्स जो हैं ये आपके फेस को कंटोर करने के लिए यूज़ होंगे, दैन जो लाइटर शेड्स हैं वो आपकी कंसील एंड हाईलाइट करने के लिए यूज़ होंगे। सो ये काफ़ी अच्छी पैलेट मुझे लगी, नो डाउट बहुत अच्छे इसके शेड्स हैं। स्वेचेस मैं नहीं कर रही, आपको वैसे ही क्लियरली नज़र आ रहे हैं। दैन अगर आपको स्वेच भी देखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर भी देख सकते हो, और इसके अलावा आप मेरी शॉर्ट वीडियो में भी देख सकोगे। इसका यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि आपने इसे फिंगर टिप्स की मदद से फेस पर अप्लाई करना है, फिर ब्रश और स्पंज की मदद से इसको अच्छे से मर्ज कर लेना है या मिक्स कर लेना है। देन इसकी जो हाईलाइट शेड्स हैं वो आप चिन एरिया पर, अंडर आई एरिया पर, ब्रिज ऑफ नोज, सेंटर फोरहेड पर यूज़ करोगे। इसकी जो कंट्रोल शेड्स हैं वो आप जो लाइन या फिर हेयर लाइन को कम करने के लिए यूज़ करोगे। तो अब बारी है रिव्यू की, और मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू कर रही हूँ वो है एलिमन की एक लिपस्टिक शेड, और ये शेड भी बहुत प्यारा है। मैंने ये आई थिंक 2 से 3 महीने या काफ़ी टाइम पहले ग्रैब की थी, और इसकी प्राइस भी मुझे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल पे मिली थी। और जो प्रोडक्ट्स रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं वही ग्रैब की जाती हैं उमूमन, क्योंकि इतनी महंगी महंगी प्रोडक्ट्स लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो ये एलिमन की एक लिपस्टिक है जिसका शेड है मियामी, और इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो आप लोग उसका लिंक पे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वो वॉच कर सकते हो। ये 4.5 ml की क्वांटिटी में है, इसके इंग्रेडिएंट यहाँ मेंशन है, और ये मेड इन ताइवान है। सॉफ्ट टच मैट लिक्विड लिपस्टिक है ये, और इसका स्वेच मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आप लोग देखिएगा इसका स्वेच किस तरह का है। वैसे ये लिक्विड लिपस्टिक ग्लूटेन, पैराबेन एंड फैथलेट फ्री है, लॉन्ग वेयर है। जब आप इसे फिंगर की मदद से अच्छे से मैं अप्लाई कर लेती हूँ लिप्स के ऊपर, तो फिर मैं खाना खा लूँ, पानी पी लूँ, समझें 6-8 घंटे ये कहीं नहीं जाती। सो अगर आप इसको ब्रश की मदद से अप्लाई कर रहे हो और अगर फिंगर की मदद से नहीं करते हो तो ये ड्राई होने के बाद बिल्कुल नहीं हटने वाली। लेकिन मेरा जो तरीका है वो यही है कि जब भी मैं इसे अप्लाई करती हूँ तो फिंगर की मदद से जो है वो अच्छे से मर्ज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लाइट कलर के जो शेड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो मेरी जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है जिसका मैं रिव्यू कर रही हूँ वो है जेफ्री स्टार कॉस्मेटिक का लिप स्क्रब। ये बेसिकली एक लिप स्क्रब है और इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब विंटर्स आ रही हैं तो लिप्स जो हैं बहुत ज़्यादा डेजर्ट टाइप के रहेंगे, चैपी रहेंगे, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा ड्राई ड्राई रहेंगे। सो लिप स्क्रब की ज़रूरत पड़ने वाली है, सो फिर मैंने इसे ग्रैब किया था। इसकी जो क्वांटिटी है वो है 30 ग्राम की, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंशन है 30 ग्राम। और इस लिप स्क्रब का जो नाम है वो है जेफ्री स्टार कॉस्मेटिक्स विलॉर लिप स्क्रब चेरी सोडा, और ये USA का ब्रांड है। इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 12 मंथ की है। एक्सट्रीमली यमी एडिबल वेगन। सो जी यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट भी मेंशन है कि इसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं। सुक्रोज, ग्लिसरीन, ओओबा सीड ऑयल, ग्रेप सीड ऑयल फ्रेग्रेंस एंड कैरेमल। कंसिस्टेंसी स्टेबल है, लिप को बहुत अच्छे से स्क्रब करती है, आपकी जितनी भी डेड स्किन होती है वो बहुत आराम से रिमूव हो जाती है। इस तरह के जो भी लिप स्क्रब्स होते हैं वो या तो वीक में 2 दफ़ा यूज़ करें या फिर 1 दफ़ा। सो जी ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। सो अब बता दिया जाए कि मैं ये प्रोडक्ट्स कहाँ से ग्रैब करती हूँ। एक्चुअली फेसबुक पर एक पेज बना हुआ है इंग्लैंड इम्पोर्टेड प्रोडक्ट के नाम से, वहाँ पर अक्सर वो लाइव शो करती हैं, उसमें वो अपने रेट्स ही रखती हैं, कभी वो हाईएस्ट भी रखती हैं, कभी वो लो भी कर देती हैं। लो प्राइसेस उनकी तभी होती हैं जब उनके पास 1 या 2 प्रोडक्ट्स रह जाती हैं। सो वो कोई भी डन करा ले, ऐसा कोई भी मसला नहीं, लेकिन उनके पास ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स हैं। सो अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी पूरी वीडियो देखी है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बनी हुई बेल को लाजम प्रेस कर दें। चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अल्लाह हाफिज़।